देखिए फ्रेंड्स, इस पे भी इसी का अटैक है। ये जो ये ऊपर से पत्तियाँ सीधी हो रही हैं ना, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पौधा सही है एकदम, ऐसे दिख रहा है। ये देखो, ये गंदी गंदी सी दिखती है इनकी ये पत्तियाँ, और ये झुकी झुकी सी भी, ऐसे 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 मुड़ती चली जाती है, पौधा सूख तो चला जाता है। अगर आपके पौधे ऐसे ही हो रहे हैं तो बिल्कुल बिना टाइम निकाले उसको तुरंत चिल्ड पानी का स्प्रे करें और पत्तियों में नीचे की तरफ करें। ये देखो, ये पत्ती बिल्कुल सूख गई, देखो हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू राजस्थान से, संजीवनी गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। इन दिनों जब सर्दियों के बाद होली के आसपास का टाइम होता है, इस समय प्लांट्स में स्पाइडर माइट का बहुत अटैक होता है। देखिए उसकी अपन पहचान कैसे करें। ये देखो, ये जो लीफ है आपको दिख रही होंगी मुड़ी मुड़ी सी, इस पर मेरे को ध्यान नहीं रही थी, मैंने बनाया नहीं वीडियो। देखो ये इनकी लीफ मुड़ी हुई है, ये देखो ये लीफ मुड़ रही हैं, और इनके किनारे हैं ना वो सूखे सूखे से हो जाते हैं एकदम। जो न्यू ग्रोथ आती है वो भी बिल्कुल, ये एकदम हम बहुत गौर से देखेंगे ना तब अपन को दिखेगा कि बिल्कुल एक रुआ से जाले से ये कवर होती है। तो ये स्पाइडर माइट के ये देखो, ये पत्तों के पीछे जगह बनाती है ये। हाँ, ये पत्तों के पीछे अटैक कर, पूरी जमी रहती है इस पर और पत्तों का सारा रस चूस लेती है। देखो एकदम से हम लोग का ध्यान तब जाता है जब ये काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देखो, ये इसकी ये न्यू बर्ड थी जो बिल्कुल काफ़ी सारी बिल्कुल सिकड़ी सिकड़ी सी ऐसी हो गई, जो न्यू ग्रोथ थी पूरी नीचे नीचे ये सब कवर कर ली थी इन्होंने। देखो बिल्कुल कितनी सी एकदम वहीं की वहीं रुक गई है इसकी ग्रोथ। इस प्लांट में से बहुत गहरा प्लांट था ये, इसमें से बहुत सारी पत्तियां सूख गई हैं। मैं 3 दिन से इस पर लगातार स्प्रे कर रही हूँ और इसका इलाज यही है, बस अपन इसमें ठंडे पानी का बिल्कुल एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी लें और उसका स्प्रे करें। ये देखो, ये पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी हो रही हैं ऐसे, जब अपन इसको यूँ सारी पत्तियाँ अब इसमें से नहीं निकल रही हैं, बाकी पूरी बहुत पत्तियाँ इसमें से झड़ गई हैं, जो न्यू ग्रोथ होती है सबको वो कवर कर लेते हैं। तो इसका बस यही है, और जब स्प्रे करें ना इस पर, देखो मैं अब करूँगी, तो यूँ नीचे से करें, यूँ पत्तियों को नीचे से स्प्रे करें ऐसे, क्योंकि ये गीले गीले में नहीं रह पाती हैं, जो नमी होती है ना नमी में ये पनप नहीं पाती है, जब नमी रहती है तो ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। जो हमारे सीजनल प्लांट होते हैं उन पे भी बहुत अटैक करती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर डस्ट सी जम गई है, धूल मिट्टी सी गंदे गंदे से पत्तियाँ लगती हैं और पौधा सूखता जाता है, पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, लटकने लग जाते हैं, ये होता है। इस पर और कुछ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, अपन इसको ये ठंडे पानी का स्प्रे इसमें 3-4 बार करेंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और इस वक्त पे बिल्कुल ध्यान रखें, होली के आसपास एकदम जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, जब वायु एकदम गर्म होती है उसमें नमी ख़त्म हो जाती है तब ये होता है। ऊपर नीचे इसको पत्तियों को नीचे अच्छे से गीला कर दें बिल्कुल एकदम। 3 दिन से ये कर रही हूँ, इसमें प्लांट्स में काफ़ी सही हो गया ये मेरा पौधा, कई पौधों में थी ये समस्या मेरे में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप करके देखिए तब आपको पता चलेगा।